हे यूनिकॉर्न्स, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज गोना बी वेरी रैंडम व्लॉग और काफी ज्यादा आपको हल्ला गुल्ला सुनने को मिलेगा बिकॉज मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चालू है। मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ मिर्जापुर में बट ये व्लॉग एंड होगा दिल्ली में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो अभी मैं दिखा देती हूँ कि घर का क्या स्थिति है और कहाँ कहाँ क्या क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसकी मैं छोटी छोटी क्लिप्स भी एड ऑन कर दूंगी, जो मैंने थोड़े बहुत स्निपेट्स लिए थे वो मैं एड ऑन कर दूंगी। अभी मैं फिलहाल छत पे हूँ, ये पूरा ये बन रहा है, छत ढलैया हो रही है। तो ये आज सबसे बड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, ढलैया है। और ये जितनी पाइप्स हैं ये स्पॉट लाइट्स की और लाइट्स की लगी हुई हैं, तो यहाँ पे ये छत बनेगा। अभी फ़िलहाल ढलैया का काम स्टार्ट हो गया है, बाकी आई विल अपडेट थोड़ा थोड़ा। और फिर मुझे बैग पैक भी करना है, कल रात की मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। आगे ये जब ये पूरा भर जाएगा तब मैं ऊपर छत पे आऊँगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा धूप है, सनस्क्रीन भी काम नहीं करेगा। क्या है भैया? कवर ब्लॉक। अच्छा, इससे क्या होता है? इसका सरिया उठता है ये। अच्छा, लगाइए। कितने टाइम बाद पिछले साल से काम रुका हुआ था, मम्मी तो बहुत ज्यादा खुश है, काम चालू हो गया है। बहुत खुशी है। ठेकेदार और ये ठेकेदार हमारा काम पूरा नहीं फिनिश करेंगे। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत जानकार वांटेड भी हैं। लेकिन ये भी स्कूल से आ गई है, सब काम वाम देखने। अब इसको यहाँ पे सब ठेकेदारों के साथ यहाँ पे खड़ा कर देंगे, रात भर यही काम देखेगी। तो एक्चुअली पिछले साल से हम लोग के घर काम लगा था और पिछले साल मेरे बाबा की डेथ हो गई थी, तो उस वजह से काम रुक गया। वो काफ़ी सारे फैमिली इश्यूज हो गए थे, हेल्थ इशू हो गया था, तो उस वजह से काम रुका हुआ था। और इस बार जाके चालू हुआ है, तो अब तो फिलहाल हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट कि इस बार पूरा ही काम हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले काम स्टार्ट होने से पहले मम्मी और सारे घर की लेडीज़ ने पूजा किया, जो मशीन था उसका भी, और उसके बाद ऊपर आकर के छत पे भी, जिसकी ढलैया होनी बाकी थी। और उसके बाद ये है फर्स्ट फ्लोर जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेन ये फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर का काम बाकी है। सो इससे पहले जो आवाज़ सुनने को मिली थी वो इसी का है, जो गिट्टी पड़ रहा था वो नीचे इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रहा था, पूरे दिन ये चला था। और फिर सीमेंट से इसको प्लेन कर दिया गया, बट प्लूटो बीइंग प्लूटो वो पूरा आके अपने पैर का निशान दे दिया। फिर इन लोग को फिर से ठीक करना पड़ा और हम लोग प्लूटो को नीचे लेके गए ताकि वो फिर से ऊपर ना आए। तो फाइनली सारा काम हो गया था, ये देखो सारा सही हो गया। अब ये कल तक अच्छे से सूख जाएगा, फिर उसके बाद कूदना। हाँ, कूदेंगे पूरा वहाँ तक दौड़ेंगे। अब इसका देखो, सो गाइज दिस इज़ द डे टू। मैंने कल व्लॉग स्टार्ट किया था और कल सारा तो केओस देखा था आपने। वेट प्लूटो, अभी वेट करने बोले ना। तो जब मैं दिल्ली से यहाँ पे आई थी तो मैंने सबके लिए सॉफ्ट टॉय लिया था और एक ये प्लूटो के लिए। लुक एट द हालत ऑफ दिस टॉय, ये पूरा स्नेल था और स्नेल का मुंह ही गायब हो गया है। ये है बता। सो वॉट आई वॉज सेइंग कि कल तो सारा दिन पूरा बिजी था, सब काम वाम हो गया, उसके बाद तो व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला, सब चीज़ें ही हो रही थी। फिर आज सुबह मैंने सोचा था, बट सुबह से आई गॉट माई पीरियड्स एंड दैट वॉज पेनफुल। ओ माई गॉड, मेरा पूरा फेस स्वेल हो गया था और मैं पूरा दिन बेड पे ही थी, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। नाउ इट्स 5:30, 5:30 बज रहा है और मुझे थोड़ी बहुत पैकिंग करनी है और रात की मेरी ट्रेन है, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत स्निपेट दिखा देती हूँ। प्लूटो क्या कर रहे हो? प्लूटो अलग ही परेशान है, उसका जो टॉय था वो एकदम ख़राब कर दिया इसने, उसका इतना सा फट गया, तो उसको सिल करके तब इसको वापस मिलेगा, नहीं तो उसके अंदर का पूरा रूई निकाल देता है। मेरा पीरियड्स आया है तब से, मतलब मुझे फिर से मेरा पूरा मुँह सूखने लग गया है, क्योंकि लास्ट मंथ मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, इसीलिए मैं दिल्ली से मिर्ज़ापुर आई थी, मम्मी ने बुला लिया था। और अभी जब आज से मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ है तब से फिर से मेरा गला पूरा सूखने लग गया है और काफ़ी अजीब सा लग रहा है, कमज़ोरी तो लग ही रही है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। बट आज ही मुझे जाना भी है और कल से मेरी शिफ्ट भी चालू, कल से मेरा ऑफिस भी चालू हो रहा है, कल ही से मुझे जाना है। ओह माय गॉड, अलग हेडेक है, बट कोई बात नहीं,
चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ पे। अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी दिखा दूँगी और बाकी हम लोग ज़्यादा कनेक्ट करेंगे दिल्ली में। टावर ऑफ फूड्स, इडली फ्राई, ठीक है, आलू की सब्जी, इसमें पराठा। दो सामान है दोनों उसके पास है। और इस बार का मेरा बर्थ भी काफी मस्त मिला है। कौन सा बर्थ है? पहला। आ गई ट्रेन। कौन सा है पहला? बाय बाय रोहित। तो रोहित के जाने के बाद मैं सीधे सो गई थी। उसके बाद मैं सुबह उठी और ब्रश किया, फिर ब्रेकफास्ट टाइम। तो ये मम्मी ने इडली फ्राई किया हुआ था, काफ़ी अच्छा, एकदम साउथ इंडियन स्टाइल में, राई और ये तेज पत्ता डाल करके, काफ़ी तेज पत्ता नहीं 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 ये करी लीव्स डाल करके बहुत टेस्टी लग रहा था। ये मैंने खाया पेट भर के। सो गाइस, आई एम स्टिल इन ट्रेन, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। और मुझे बताना, ये यहाँ की लाइट आईफोन के लिए नहीं है क्या? क्योंकि एवरी टाइम आई ट्राई टू चार्ज और ये चार्ज होता नहीं है। आई डोंट नो कि आईफोन का चार्जर इसके लिए सही नहीं है या ये आईफोन के चार्जर के लिए ठीक नहीं है। हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो। जस्ट रीच्ड होम और ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा हैक्टिक होता है, प्लस पीरियड्स के टाइम पे तो और भी ज़्यादा एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। और अभी जस्ट एक पार्सल रिसीव हुआ आते ही, एंड आई एम सो हैप्पी। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट परचेज फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट। ओह माय गॉड, आई वॉज सो अमेज्ड जब मैं इसको ऑर्डर कर रही थी। अभी तक तो मैंने इसको ट्राई भी नहीं किया है, बट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। Hello everyone, I am here to share some products which I am using nowadays from the brand Pure Sense, and I have 4 products from them. So these are the products which I have face scrub, face mask and face cream plus toner. So firstly I wanted to talk to you about some ingredient which these products have. So the main ingredient is pink guava. So hum logo ne hamesha strawberry, avocado, papaya ये सब के बारे में सुना है, but guava is a new thing for me, तो इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा excited थी इन सारे products को try करने के लिए। तो जो pink guava होता है वो काफ़ी ज़्यादा help करता है आपके skin को glowy, radiant और काफ़ी healthy बनाने में। Start from the very first product जो कि इस skin care में use करना है, so which is this face scrub. This has niacinamide and African melon extract. तो नियासिनामाइड है तो ये काफी ज्यादा हेल्प करता है स्किन को, प्लस पिंक गुआवा। एंड द पैकेजिंग इज सो क्यूट, ये ऊपर वुडन नहीं है बट ये वुडन वाला प्रिंट है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। प्लस यहाँ पे आपको ये एक प्रोटेक्टर मिलेगा और नीचे अंदर प्रोडक्ट है, यू कैन सी दैट। बहुत ही प्यारा पिंक कलर का प्रोडक्ट है, काफी अच्छा माइल्ड सा इसके अंदर पार्टिकल है, बिल्कुल भी रफ नहीं है, बड़े पार्टिकल्स नहीं है कि स्किन को डैमेज हो, तो ये स्क्रब मुझे काफी ज्यादा पसंद है। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस फेस मास्क, और ये भी बहुत ही प्यारा पिंक कलर में, यू कैन सी दैट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऑल्दो अगर आप फेस पे लगाओगे तो ये व्हाइट लगता है, बट मतलब हिंट ऑफ पिंक है, तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसको मैंने यूज किया हुआ है एंड दिस हैज पिंक गुआवा इंग्रेडिएंट, दिस बूस्ट ग्लो, काफी अच्छा लाइक लगाने के बाद जब इसको आप धुल लोगे या पोछ लोगे उसके बाद बहुत ही अच्छा क्लियर सा स्किन लगता है, इसलिए ये फेस मास्क मुझे काफी ज्यादा पसंद है। देन वी हैव दिस फेस क्रीम विच हैज SPF 20 एंड UV प्रोटेक्शन। तो SPF के साथ अगर कोई क्रीम मिलता है देन मुझे ला दो। तो SPF इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर स्किन केयर रूटीन, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट जाओ अभी जाकर के ले लो।
और अगर कोई प्रोडक्ट है जिसमें SPF है ऑलरेडी, 2-in-1 वाला काम करता है, देन गो फॉर इट. मुझे तो वैसे प्रोडक्ट काफी ज्यादा पसंद है. एंड लुक एट द कलर, दिस इज ऑल्सो क्यूट. दीज ऑल प्रोडक्ट हैव पिंक कलर इन इट, क्योंकि ये पिंक गुआवा इनका मेन इंग्रेडिएंट है, तो ये काफी अच्छा लाइक पैकेजिंग एंड ऑल काफी अच्छा है. इसका फ्रेग्रेंस मुझे काफी अच्छा लगा, लाइक बहुत ही माइल्ड सा गुआवा की फ्रेग्रेंस है, काफी अच्छा है. बहुत ज्यादा वैसा नहीं है कि ऑन द फेस लगे, बहुत ही हल्का सा है. और इसका कलर भी काफी अच्छा है, इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा है, लाइट वेटेड टेक्सचर है. तो अगर आपको लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर क्रीम्स पसंद है देन गो फॉर इट. ये क्रीम नहीं कहा जा सकता, इसको एज अ मॉइस्चराइजर मैं यूज करती हूँ अपने मेकअप के अंदर, या मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घर पे भी हूँ तब भी मैं थोड़ा सा लेकर के इसको अप्लाई कर लेती हूँ. और थोड़ा प्रोडक्ट काफी टाइम तक चलता है और काफी पूरा एंटायर फेस कवर कर लेता है. सो लास्टली वी हैव दिस फेस टोनर, जो कि क्रीम से पहले यूज करना होता है. दिस इज ऑल्सो अमेजिंग प्रोडक्ट. इन सारे प्रोडक्ट्स में अगर आप पूछो कि सबसे फेवरेट कौन सा है मेरा, मैं बोलूंगी कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद आया है. द बॉटल, द पैकेजिंग एंड द प्रोडक्ट इसका काफी अच्छा, लाइक ये जो स्प्रे बॉटल है बहुत ही अमेजिंग है. ऐसा नहीं कि एक जगह जाके लगे, काफी सारे स्प्रे बॉटल्स वैसे होते हैं कि आप स्प्रे कर रहे हो तो एक जगह लग रहा है, बट दिस इज लाइक पूरे फेस पे लगता है और काफी अच्छे तरीके से रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करता है. और इसमें भी ये बहुत ही हल्का सा माइल्ड फ्रेग्रेंस है रोज और गुआवा दोनों की, और कलर भी पिंक कलर है. सबसे ज्यादा मुझे यही पसंद आया. मैं इसको दिन में 2-3 बार तो जब भी मैं देखती हूँ लेके यूज करने लगती हूँ और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया. गाइस दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने प्योर सेंस ब्रांड से ट्राई किया है, मुझे काफी अच्छा लगा है. और आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो दैट अगर आपको ये परचेज करना है या इनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना है, चेकआउट करना है, तो आप जाके कर सकते हो. पिंक गुआवा आपके फेस को काफी अच्छा रेडियंट प्रोवाइड करता है और ग्लो प्रोवाइड करता है. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेडियंट ग्लोइंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, सो दीज आर द प्रोडक्ट्स जो कि मैंने अभी शो किया है आपको, वो आप परचेज कर सकते हो, यूज कर सकते हो. सो यार दैट्स इट, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द व्लॉग अगेन. डेफिनेटली इसको यूज करके तब इसका रिव्यू मैं शेयर करूंगी. और भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, प्लस एक मैंने ट्राई किया या स्मिथन, इसमें से भी मंगाया था कुछ ट्राई करने के लिए प्रोडक्ट्स. वैसे स्मिथन से मैंने काफी बार मंगाया हुआ है, बट इस बार कुछ और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे ट्राई करना था. मैंने सोचा पहले एक ट्रायल पैक मंगा लेती हूँ, उसके बाद बड़े में इन्वेस्ट करेंगे. और ये वाला भी मैंने मिनी साइज मंगाया, बिकॉज जो बड़ा साइज होता है वो ही मेरा खत्म नहीं होता है. एज आई ऑलरेडी मैंशनड, अगर आप मेरी पहली वीडियोज देखते होगे तो उसमें मैंने प्लम्प के इतने बड़े बड़े वाले 8 बॉटल्स मंगाए हैं बॉडी मिस्ट के. यस आई एम ऑब्सेस्ड विद बॉडी मिस्ट नाउ अडेज, फ्रेग्रेंस स्पेशली. कैंडल्स भी मेरे पास काफी ज्यादा स्टॉक अप हो गए हैं और बॉडी मिस्ट भी काफी ज्यादा हो गए हैं. परफ्यूम रह गया है, बिकॉज परफ्यूम अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि थोड़े दिन रुक करके तब स्टार्ट करूंगी उसका कलेक्शन, बट आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट. और हाँ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही, आगे मैं रिव्यू जरूर शेयर करूंगी दूसरे व्लॉग में. आज तो घर काफी ज्यादा गंदा हुआ है, बहुत ज्यादा धूल धूल हो गया है, तो अभी उसको समेटना है, भूख लगी है, कुछ खाना खाना है, बस करो अब घर जाना है, खाना खाना है. और प्लस आज ही मुझे ऑफिस भी जाना है, दैट इज सो हैक्टिक, बट क्या कर सकते हैं इतने दिन से. ठीक है, यहाँ चल के बात कर लेते हैं, काफी अंधेरा हो गया उधर. तो इतने दिन से ना ऑफिस मेरा वो चल रहा था, मतलब मैंने लीव लिया हुआ था बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. शायद मैंने बताया हुआ है इंस्टाग्राम पे, मैंने बताया था शायद. तो मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा लो हो गया था, आई एम गोना इंसल्ट अ पिक्चर हियर. इतना ज्यादा मेरा फेस स्वेल हो गया था, ओ माय गॉड, ये मेरा नोज और आईज पूरा एक बराबर हो गया था. एंड आई वाज सो शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया. तो फिर मम्मी को फोटो भेजा, तो मम्मी ने बोला तुरंत तुम घर आ जाओ. प्लस मेरे पैर में लगी थी काफी टाइम पहले, पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था मेरा, तो पैर में लग गई थी और वही मेरा दर्द फिर से उठ गया था, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो वर्क फ्रॉम ऑफिस हुआ. 3-4 दिन जब मैं ऑफिस गई रेगुलर, तो मेरे पैर का दर्द भी पैर का दर्द भी फिर से बढ़ गया था और हीमोग्लोबिन भी लो हो गया था. तो फिर मुझे घर जाना पड़ा, तो आज जाकर के मैं घर से आई हूँ और आज ही फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा. ऑल्दो 2 ही दिन जाना है, उसके बाद मेरा वीक ऑफ पड़ेगा 2 दिन का, बट 2 दिन जाना ही पड़ेगा. तो अभी मैं ये सब साफ करने जा रही हूँ और फिर रेडी होंगे ऑफिस के लिए. तो ये व्लॉग मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ.
जैसे कि मैंने बोला था इस व्लॉग के स्टार्टिंग में कि व्लॉग मैं मिर्जापुर में स्टार्ट कर रही हूँ, बट एंड होगा वो दिल्ली में, सो एज प्रोमिस्ड. तो हाँ, सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड ईच टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद. हाय, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये का?